See, there are certain diseases which are spread by bacteria. So bacteria, बात नहीं करो, is responsible. Bacteria responsible है इसके लिए, tuberculosis के लिए. Tuberculosis दमा को कहते हैं, हफनी आना. ठीक है प्रियांशु, जैसे कभी लंग्स में प्रॉब्लम है तो कहते हैं इसको टीबी हो गया है. इसको इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? टीबी. टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कंटेजियस है या फिर कांटेक्ट से फैलती है या फिर कम्युनिकेबल है. जो कांटेक्ट से फैलती है उस डिजीज को कंटेजियस कहते हैं. हाँ बोलिए सर. वो टीबी क्यों होगा? टीसी नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा ही नाम है. ट्यूबरक्लोसिस को टीबी कहते हैं. ठीक है, क्लोसिस है ना, सी लो. नाउ तो ये कंटेजियस डिसीज है. व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिकेबल डिसीज और कंटेजियस डिसीज? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है कम्युनिकेबल डिसीज. सर क्या फिजिकल हो सकता है? या तो ओरल कांटेक्ट से हो सकती है, ओरल कांटेक्ट से, या फिर ऐसा भी हो सकता है एयर या वाटर से फैल जाए. जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया या इन्फ्लुएंजा. जब तुमको कफ एंड कोल्ड होता है तो उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं. तो इन्फ्लुएंजा प्रियांशु किससे फैलता होगा? क्या ये भी किसी से फैलता होगा? लेट अस सी. तो पहले देखते हैं, बैक्टीरिया से ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया और कॉलेरा हो गया. कॉलेरा से विद्धि तुम क्या समझती हो? हाँ मंगल, क्यों कर रहे हो ऐसे? हाँ बोलो सर. कॉलेरा, हाँ बोलो अविश. ह्यूमन डिजीज, करेक्ट. जैसा कि अविश ने बताया, इट इज फूड पॉइजनिंग. तो अगर जैसे कभी हम जाते हैं बाहर से, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं और हमने खाना पीना खराब खा लिया, तो उसकी वजह से कई बैक्टीरिया हमारे अंदर अटैक करेंगे और फूड पॉइजनिंग होने के बाद उल्टी होने लगेगी, बहुत चक्कर आने लगेंगे, गिडीनेस, चक्कर आने लगेंगे. और जरा देखो टाइफॉइड. टाइफॉइड क्या है मतलब? बैक्टीरिया. बहुत अच्छा, उसको भी बताने दो ना. सब तो बता दो. जैसा कि मंगल ने बताया कि इसको तपेदिक कहते हैं, एक महीने का फीवर. तपेदिक बुखार. क्या है तपेदिक? सर आता जाता है. हाँ, इंटरमिटेंटली आने जाने वाला. तो उसी को बताने दिया तो टाइफाइड हो जाएगा. और चौथी चीज है, सो दीज आर द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. क्या आप मुझे बताएंगे गौरव, व्हाट आर द थ्री डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? सर बैक्टीरिया तो ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और एक करोना. सो दैट इज बैक्टीरिया से थ्री डिसीज होती है. कौन कौन सी? चिंगम खा रहे हो? आप तो 10 नंबर भी लाए हो, बताते भी नहीं हो. हर चीज में तुम ये एटीट्यूड रखो कि मुझे तो आते ही नहीं, मैं फिसड्डी हूँ, जाके उसको बाहर लेके आओ. इंटरमिटेंट फीवर. व्हाट आर द थ्री डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस. ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस क्या चीज होती है? लंग से, ये बैक्टीरिया से फैलती है. बैक्टीरिया छोटे छोटे हैं तो एक को टीबी है तो दूसरे में फैल जाएगा. लेकिन ये है क्या, लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है. फिर वो बोलने में मुझे वहां गया ऐसे बोलेगा, सांस अटकती, बोल नहीं पाएगा. तो अगर किसी को अस्थमा है या टीबी है तो उसको क्या है, लंग्स में प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाएगा. समझ में आई बात? के लिए वो बैलून नहीं खुला पाएगा ना. ठीक है, अभी फिर से पूछेंगे तो प्रॉपर्ली बताना. ओके नेक्स्ट इज, अब देखें वायरस से क्या क्या फैलता है. सो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये सारी बीमारी फैलाएगा. क्या तुमने कोरोना वायरस सुना है? यस सर, कोविड 19.
हाँ, तो उससे कोविड हो जाता है, ठीक है। कोरोना वायरस से कौन सी बीमारी होती है? कोविड। सो दैट इज कोविड। और कई तरीके के हैं, चूंकि वो 2019 में फैला था इसलिए उसे कोविड 19 कहा गया, अदरवाइज उससे पहले भी कई और भी फॉर्म आ गए। चिकन पॉक्स, इसमें छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। चिकन पॉक्स, पोलियो, पोलियो, हेपेटाइटिस। पोलियो किसकी वजह से होता है? वायरस से ही होता है। उसका नाम क्या है? वायरस का नाम, हाँ, पोलियोमाइसिटीज, ठीक है, कई बार बताया जा चुका है। तो दैट पोलियो हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, और देखो आपकी बुक में क्या क्या लिखा है, मीजल्स भी चेचक है। आपने देखा था कि बच्चे के चेहरे पर लाल लाल हो गया था, दैट इज मीजल्स। पोलियो हो सकता है, और क्या हो सकता है, चेक करो, हेपेटाइटिस में क्या होता है? सर इसके आगे ए क्यों लिखा है? हेपेटाइटिस बी ज्यादा जानलेवा है। आपको थोड़े दिन पहले 1700 रुपए में स्कूल में जो इंजेक्शन लगाया था इम्यूनाइजेशन, वो हेपेटाइटिस बी का, तो आजकल सब लोग लगवा रहे हैं, तो ठीक है। उसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी ज्यादा, ये हेपेटाइटिस ए भी है, इससे इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर तुमको सर्दी जुकाम हुआ, कहेंगे अरे उसको सर्दी जुकाम हो गया था इसीलिए बेचारा मर गया, तो वो उसी से हो जाता है। इतना भी इम्यून नहीं कि सर्दी जुकाम झेल सके। सो इस तरीके से हमने कोविड, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स और हेपेटाइटिस, ये सब वायरस से होता है। वायरस से कौन कौन सी 5 डिसीज होती है बताइए। प्रियांशु बैठ के बेटा, हाँ, पोलियो, हाँ, चिकन पॉक्स, बहुत अच्छा, हेपेटाइटिस, कोविड, अरे वाह, एक और बता दो, मीजल्स। मीजल्स में भी दाने हो जाते हैं, चिकन पॉक्स में भी। कोविड को तो तुम है ना, अब कोविड तो तुम जानते हो कि कोविड में भी इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, सांस लेने में कंजेशन होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। 5 डिसीज बताओ। मलेरिया। और इसी तरह से मुझे बताओ फंगी से क्या फैलता है, बताओ। करेक्ट, तुम पहले बताओ। बहुत अच्छा, दैट इज रिंगवॉर्म। प्लांट्स में, प्लांट्स का भी हम देखेंगे, जैसे रिंगवॉर्म कहीं खुजली होती दाग बन जाता है ना, लोग ऐसे से खुजली आने लगते हैं, या यहाँ पर हो जाएगा रेड वॉर्म, तो वो दैट इज रिंगवॉर्म। इसको कहेंगे खाज खुजली। सर ये जाएगा कैसे? रिंगवॉर्म है, इसके लिए कई तरीके के बीटेक्स मल्लम ये कुछ आते हैं, उनको पाउडर लगा देते हैं, या और भी कुछ है। द प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, इट इज ए काइंड ऑफ फीवर। ये भी क्या है? फीवर है। नाउ तो इस तरीके से हमने सभी देख लिए, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस एंड बैक्टीरिया। एक और कौन सा रह गया? एल्गी। तो एल्गी है, स्पाइरोगाइरा, इनसे भी क्या होता है? डायरिया हो जाता है, गंदा पानी पियोगे। न्यूट्रिशन होता है तो उसको ठीक तरीके से अगर सही सही चीज खाई जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे गंदे पानी को नहीं पी सकते, फिर उसमें स्पाइरोगाइरा के साथ और भी चीजें आ जाएंगी। सर इस बार के नोट्स नहीं मिले। किस वाले चैप्टर के? इस चैप्टर। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नोट्स नहीं मिले, नहीं इस चैप्टर के नहीं मिले। नहीं चलो ठीक है, कल दे देंगे। मैथ्स में कौन सा चैप्टर? सर लीनियर। सर वो कल जो एग्जाम होगा उसके अंदर जो पिछली बार वाले का सिलेबस है तो वो आएगा? पिछली बार की 2.2 एक्सरसाइज मैथ्स की आएगी, जो 6 क्वेश्चन मैथ्स की। सर ये लेकर और सर ये वाले पे ये पूरा चैप्टर आएगा ना? हाँ, जो पिछली बार तक हो गया था उसका ये पूरा ही आएगा। हाँ ये 6 क्वेश्चन। चलो अब देखो 6 क्वेश्चन जो ये भी है ना, ये ग्रुप में भेज देना आपको फोटो खींच के, तो ये दोनों भी देख लें। कल वैसे आपको आने की जरूरत नहीं है टेस्ट के, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो एक वीक पढ़ लो पहले, फिर अगला टेस्ट देना। ओके सर, इसमें सेकंड होगा?
ये तो आपने देख लिया कि इन सबसे कौन कौन से डिसीज फैलती है. नाउ प्लांट डिसीज देखिए. प्लांट डिसीज में दैट इज साइट्रस कैंकर. अभी ये दिखा रहे हैं साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है प्लांट डिसीज. तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया. और ये एयर से फैलती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन सर वो एक ऐसा भी प्लांट है जिसको छोटी खुजली होने स्टार्ट हो जाती है. ओके सर ये भी इसमें आया डिजीज में बता रहा हूँ. सभी चीजें दिखाता हूँ. कुछ चीजें देखिए. ऐसे हंसो नहीं है तो हंस रहे हो. बैक्टीरिया बोल रहे हैं. बैक्टीरिया ऐसे हंस रहे हो. बैक्टीरिया के नाम पे तुम्हें ऐसी आ रही है. ये हंस रहे हैं. हंसने से क्या होगा? नहीं इनको बोल रहे हैं तो अब जैसे वहां कोई बोलेगा डोसा खाओगे. डोसा बोल रहा है डोसे. कोई मेंटल थोड़ी है. ठीक है अभी देखो सिट्रस कैंकर में जो तुम्हारे नींबू के पेड़ है उनकी पत्तियों में से दाने आ जाए तो क्या कहेंगे? सिट्रस कैंकर. ये किसी बैक्टीरिया से होता है. अब देखो डस्ट ऑफ वीट पूरा जो गेहूं है वो हरा हो जाएगा. फंगस लग जाएगी. देखो डस्ट ऑफ वीट इसमें सड़ जाता है गेहूं. जरा ध्यान दीजिए ये गेहूं के पत्तों में क्या हो जाता है? ये देखो ऐसा जब पता ही हो जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा. सो इट इज रस्ट ऑफ इट. ओके तीसरी बीमारी कौन सी है? येलो भिंडी में मोसाइक जानते हो जैसे पैटर्न टाइप मोसाइक होता है तो उसी तरीके का भिंडी का होता है. येलो मोसाइक ऑफ भिंडी. येलो मोसाइक ऑफ भिंडी. तो लेट अस सी इट. ये क्या है? ओकरा क्या है? ये देखो भिंडी में अगर इस तरीके से ऐसा भिंडी का भिंडी हरी होती है भिंडी का ही पत्ता है. हां पत्ता है भिंडी का पत्ते का कलर ये डस्ट ऑफ वीट और इसका सिमिलर है थोड़ा पत्ता भिंडी के पत्ते का उसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऊपर उठा हुआ रहेगा और इसमें मोजाइक स्ट्रक्चर बन गया. वैसे ये नेचुरली तो होते हैं. ये देखो अब ये तो पहले तुम इसे देख लो फिर तुम्हें नेचुरल भिंडी का पत्ता दिखाऊं. ये तुम्हें दिखा. अब देखो लीफ ऑफ लेडी फिंगर. According to Nature Collective, the leaves of Salivia generally arrest 8 inches long and covered with a light waxy coat. At the ends, they are cheek and sometimes tinged reddish or withered into dry streamers. Dry leaves also grow from the lower part of the stem. चलो सेटल कर देते हैं. हम वीडियो बंद करके पहले सेटल करते हैं. हर 10 मिनट में सेटल कर लें. गिर गया तो गिर जाने दो सर. मैं थोड़ी ना गिरा सर. उसने गिरा दिया कोई बात नहीं. चल नहीं बैग नहीं फेंकेंगे. चलो अब ये देखो भिंडी का हो गया. नाउ ओके सो हम लोगों ने देख लिया सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर में क्या था बताओ? कुछ याद आ रहा है? जो खट्टे होते नींबू सिट्रस का मतलब खट्टा होता है और उस पर अगर दाने आ जाए तो उसे सिट्रस कैंकर कहते हैं. वो किसके द्वारा होता है? बुक में देखो सर. बैक्टीरिया. किसके द्वारा?
इसके द्वारा होता है बैक्टीरिया। अच्छा अगला देखो रेस्ट ऑफ वीट में क्या दिखाया था पीएच, उसके अंदर जो वीट है उसके ऊपर येलो येलो पत्तियों पे आया था कि नहीं सर, वीट पे ही आया था। सो रेस्ट ऑफ वीट उसकी पत्तियां थी इस तरीके और उस पर ऐसे दाने बन गए थे कि नहीं। यस सर। अच्छा रेस्ट ऑफ वीट किसके द्वारा होता है बोलो, फंगी। फंगी वर्ड तुमको दिखा दिया, फंगी समझ में आता है ना, मशरूम टाइप का बैक्टीरिया वो रखा है ग्रीन कलर का, ठीक है तो ये फंगी से होता है एंड इट इज एयर से ये भी फैलता है, एयर और सीड से फैलता है। और येलो मोजाइक ऑफ इंडी मोजाइक जैसा स्ट्रक्चर, सो वायरस इंसेक्ट वायरस मोजाइक ऑफ इंडी दैट इज वायरस से फैलता है। Yes, और ये इंसेक्ट से फैलता है, यानी इंसेक्ट एक से लेकर के दूसरे में ट्रांसफर करेगा। सर भिंडी का जब आपने पत्ता देखा तो बहुत वो रस्ट ऑफ वीट टाइप की था, वैसे ही था, बस उसकी जो वेन्स है ना वेन्स पीली पीली पड़ गई। सर इंसेक्ट का मतलब है उसने अगर वो रोगी वाले पत्ते को खाया और फिर अच्छे पत्ते को खाया तो उसने वो इंजेक्ट कर देगा। अच्छा मलेरिया जैसा। हाँ तो अब मुझे तुम तीन बीमारी बताओ जो पौधों में होती है। सिट्रस कैंकर और रस्ट ऑफ वीट और मोज़ेक ऑफ भिंडी ऑफ ओकर। सिट्रस कैंकर को कौन फैलाता है? बैक्टीरिया। बहुत अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ रस्ट ऑफ वीट को? फंगी। सर फंगी। बहुत अच्छा बेटा, और थर्ड है येलो मोज़ाइक और भिंडी को कौन फैलाता है? वायरस। वायरस। सो जो अभी तुमको यहाँ दिख रहा है इसको अपनी कॉपी में लिखो। देखो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी कंट्रोल हुआ, फिर ये प्लांट डिजीज का मिक्सर। प्लांट डिजीज नहीं सर, मतलब जो लिखेंगे उसी में इसका भी नाम दे कि अलग से प्लांट डिजीज बनाए। सर वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इनको हटा दिया मैंने। ओके इन्हीं चारों के नाम लिखना है जो जो भी तुम्हें पता है, और इसमें प्लांट डिजीज लिखो और ये किससे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है। सर पेपर ओके। तुम अभी ग्रुप में जुड़ी नहीं हो, मैंने कल भेजा था तुम्हारी सिस्टर को बताया, प्रियांशु जुड़ी है। नाउ some microorganisms grow on food, तो वो food पे फैलते हैं and make food poisonous, food को poisonous बना देते हैं तो food spoil हो जाएगा हमारा and spoil the food। तो हमें ओके लाओ, तो हमें अपने फूड को बचाना चाहिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे बैठ जाते हैं तो उसको वो स्पॉइल कर देते हैं। फिर तुम बड़ा बड़ा लिखने लगे, तुमसे कहा कि साइजिंग देखो, ठीक है दे स्पॉइल द फूड, तो इस फूड को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो टू प्रिजर्व द फूड हमें उसके लिए कुछ फूड प्रिजर्वेटिव का यूज करना चाहिए सर, जैसे कि विनेगर और जैसे विनेगर का यूज करना चाहिए या सोडियम बेंजोएट का यूज करना चाहिए। ओके सो व्हाट वी हैव टू डू सर, सोडियम मेटाबिसल्फेट भी है सर, उससे भी बचा सकते हैं। ओके सो वी हैव टू यूज फूड प्रिजर्वेटिव्स जो फूड को प्रिजर्व रखते हैं, ठीक है
फूड प्रिजर्वेटिव सेव्स अवर फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. ओके, दो एक मिनट में आप जमा करो. फूड प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? दे सेव्स अवर फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. फंगी में सर कितना था? एक. चलो जमा करो. Some chemical substance which preserves our food are known as food preservatives. Food preservative क्या है बताओ? Some chemical substance which are used to preserve our food. जैसे तुम अगर टोमेटो सॉस बनाकर ऐसे गोता भर दो तो खराब हो जाएगा. लेकिन अगर उसमें तुम सोडियम बेंजोएट डाल दो तो खराब होगा. तो वो फिर हमेशा ठीक ही रहेगा. इवन कटोरी में रखा रहता है होटल में कई कई दिन तक रहता, खराब नहीं होता ना. तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? उसमें बैक्टीरिया को फैलने नहीं देते हैं, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते. हाँ बोलो सर. जैसे जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर मिलाया रहता है. कोल्ड ड्रिंक में जो शुगर है, शुगर इटसेल्फ इज ए फूड प्रिजर्वेटिव. अचार को कैसे प्रिजर्व करते हैं बोलो? अचार में क्या फूड प्रिजर्वेटिव है? पानी नहीं डालते हैं. और नमक, जो सोडियम क्लोराइड है या नमक, इट इज ए नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव. अगर किसी चीज में तुमने अचार में या अमिया में बहुत सारा नमक डाल दिया है तो क्या वो अपने आप से बैक्टीरिया नहीं लगेगा? इसी तरीके से शुगर कैंडी को किसी फूड प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है. शुगर इट इज ऑल्सो ए फूड प्रिजर्वेटिव. क्या तुम मुझे चार ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव के नाम मंगल बता सकते हो? बोलो बोलो सर. शुगर, सॉल्ट और एक वो था ना सोडियम तो सॉल्ट एक ही हुआ ना. सोडियम और वाटर. और वाटर से नहीं लाए अभी इसने दो बताए थे. अब बोलो सर. कॉमन सॉल्ट से सर सोडियम वो बेंजोएट और मेटा मीठा बाई सल्फेट बुक में लिखा. और चार हो गए शुगर. आमला मैंगो. अरे आमला मैंगो में तो डालते हैं, आमला मैंगो नहीं है, दैट इज उनमें शुगर डाला जाता है. समझा सर? जैसे हम ये सोडियम बेंजोएट में डालते हैं तो खाना जो हम उसको खाएंगे फिर वो खाना तो हमें कुछ नहीं होगा. वो हमको हमें वास्तव में जो तुम सॉस खाते हो तो तुम्हें सॉस जो है टमाटर की चटनी से ज्यादा अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें सोडियम बेंजोएट मिला है. जितना भी इसका हल्का टेस्ट वही है, सोडियम बेंजोएट हो या जो भी हो, इट ऑल टेस्ट सॉस में इसका टेस्ट आ जाता है. ये देखो, अगर मैं कहूँ ये सोडियम बेंजोएट है, ये देखो ये, तो इसका टेस्ट बिल्कुल उसी तरीके से होगा जो तुम सॉस में लेते हो. तो ये प्रिजर्वेटिव और साथ में एडिबल भी है. अभी भी डालते हैं, खाते ही हैं, ये खाने में मिलाया जाता है. ये एडिबल है ना, ये तो खूब हम लोग रोज चिप्स खा रहे हैं, सबने मिला है. वास्तव में इसी का टेस्ट है जिसकी वजह से बच्चे लोग क्या करते हैं, तो खा भी सकते हैं. ये देखो ऐसे बस स्मेल कर लो. बस वो वही है खाने में जो पड़ता है, समझ में आ नहीं पा रही. इसमें ऐसे ही बस सॉस वॉस का स्मेल आएगा. सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइल सल्फेट, चार चीज तुम्हें क्या बताए बोलो? सोडियम सोडियम
बेंजोएट बात नहीं करो अननेसेसरी सोडियम बेंजोएट आप अलग बैठ जाओ कहीं पे हम फिर नहीं तो क्या है कि किसी भी समय आपको वापस भेज के पैसा वापस कर देंगे भाई आपका थैंक यू बेटा वेरी मच सोडियम बेंजोएट दूसरा क्या है सोडियम मेटा बी सल्फाइड सॉल्ट को कहते हैं सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड और चौथा क्या बताइए सर शुगर सर विनेगर अल्कोहल सर ये सारी चीजें अब और देखो कुक में और क्या क्या लिखा है That is preservation by oil and vinegar. Oil में भी अचार को ये भी सबसे पहले रिद्धि ने क्या बताया था कि अचार को अगर तेल में डाला रहे डूबा रहे तो कभी उसमें फंगस नहीं लगती है बात है कि नहीं और अगर तेल से ऊपर रहेगा तेल हटा दो तो फंगस लग जाएगी ऑयल है और विनेगर का हम लोगों ने स्मेल किया है कि कभी नहीं किया विनेगर स्मेल किए हैं आपने विनेगर यही होता है जो इसको अच्छे से सुनाएंगे तब फिर याद हो जाएगा तो और दो बताओ क्या लिखे ऑयल है ऑयल भी होगा इसी तरीके से हम किसी चीज को पाश्चराइजेशन क्या है प्रोसेस ऑफ क्या सर जैसे हम लोग दूध लेते हैं उसको पहले एकदम ही ठंडा करते मतलब गर्म कर देते हैं 70 डिग्री पे जो आपने वीडियो एक दिन दिखाया था 70 डिग्री पे फिर उसको एकदम ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिससे कि बैक्टीरिया उसमें लेयर नहीं वो बैक्टीरिया सब मर जाते हैं तो ये जो पाश्चराइजेशन किसके नाम पर लुईस पाश्चर बहुत अच्छा तो पाश्चराइजेशन में क्या होगा कि दूध को गर्म करना अचानक ठंडा कर देना 70 डिग्री तक गर्म करना तो कई लोग 15-30 सेकंड तक करना है गर्म कर लो उतने तक रखो फिर बैक्टीरिया मर जाएंगे फिर उसके बाद सडन उसे कूल कर दो तो आपको मालूम है यहाँ जितने भी अमूल के दूध आते हैं सब में लिखा रहता है पाश्चराइज्ड मिल्क इसका मतलब है कि इसके बैक्टीरिया मर गए हैं तो पाश्चराइजेशन लेकिन खोलेंगे तो फिर आ जाएंगे तो जब आप खोलोगे 3-4 दिन बाद तो 1 दिन में तो यूज कर ही लोगे सर उसको जैसे ही खोल के फिर तो बॉईल करते हैं हां पाश्चराइजेशन 100 डिग्री पर कर देते हैं अगला देखो इसमें और क्या लिखा है बताओ पाश्चराइजेशन के बाद क्या लिखा है दैट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या यही पाश्चराइजेशन है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट और कभी कभी हम बहुत डीप रेफ्रिजरेशन में भी रख देते हैं चीजों को क्या उससे भी बैक्टीरिया नहीं लगते हैं तो अगर हमने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रिपेयर्ड फूड हैं जो आप कभी मॉल में जाते हो तो वो डीप स्टोरेज में रखे रहते हैं नहीं तो दैट इज कोल्ड ट्रीटमेंट ये भी लिख लो ना लो टेम्परेचर तो कोल्ड कंडीशन नाउ राइट डाउन व्हाट इज पाश्चराइजेशन Pasteurization is what if we when milk is heated up to 70 degree Celsius and और कितनी देर तक दिया जाए बोलो 30 सेकंड for 15 30 सेकेंड्स तक अगर हमने कर दिया और फिर सडनली कूल कर दिया एंड सडनली चिल्ड देन ऑल बैक्टीरिया ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड इन इट ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
आर फिल्ड इन इट, इसमें मर जाएंगे. दिस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन. सो पाश्चराइज्ड मिल्क इज फेड इन जो भी अमूल फैक्ट्री या कोई भी सजा सा है, कोई भी जो जितने तरीके का है मदर डेयरी, उन सभी में होता है. प्लीज दे, क्या आपको यह भी पता है कि अगर सभी सारी एयर निकाल दो, क्योंकि एयर से भी बैक्टीरिया फैलते हैं, क्या तुमने ऐसा नट या अखरोट देखा जिसकी हवा सारी निकल गई हो ऐसी पैकिंग, वैक्यूम सील? हाँ, तो सर, वो जिस पैकेट में डालता है उसको वैक्यूम सील, उसका वैक्यूम सीलिंग कर रहा है सारी. ये देखो, कभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा तो अभी देखो, ऐसा जब जाना तो देख लेना. नाउ वैक्यूम पैकिंग ऑफ अखरोट, ये देखो, दैट इज ऐसा. हाँ सर, ऐसा रहता है फर्स्ट वाले जैसा, ऐसा सारी हवा खींच के निकाल दे, तो उससे क्या हो रहा, कई इस तरीके की वैक्यूम पैकिंग होती है दूध में. तो सर ये देखो, ऐसा तुमने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो ऐसे पैकिंग होती है. सर ये देखो, सर पानी होता है छोड़ दे. हाँ ठीक है, ये देखो, तो दैट इज ऐसा पूरी हवा निकालनी. तो वैक्यूम सील करने से क्या होगा बोलो, वैक्यूम सील करने से जब हवा ही नहीं रहेगी तो हवा में ही तो बैक्टीरिया रहते हैं. सो इसलिए एक और हमारे पास क्या हो गया बताइए, वैक्यूम पैकिंग. सर सर जो दूध आता है सर पैकेट वाला, सर उसमें तो वो होता होगा ना सर, थोड़ा सा पानी होता है और सर एयर भी होती है उसमें. पानी और एयर से मतलब नहीं, बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो रिप्रोड्यूस. जब तुमने बैक्टीरिया खत्म कर दिया और फिर उसमें कुछ भी रहने दो, हवा भी होने से कुछ नहीं होगा. तुमने ऐसी कंडीशन में किया है जो मिल्क की फैक्ट्री में बैक्टीरिया नहीं है, तो उनकी पैकिंग कर दो ऐसी फ्रेश एयर सही एयर डालो तो बैक्टीरिया नहीं होगा. तुमने पाश्चराइज कर दिया ना और पैकिंग के बाद कूल किया और ये देख लिया, तो फिर अब देखिए कि कुछ चीजें बताओ दीदी, कौन कौन से हैं हमारे फूड प्रिजर्वेटिव के नाम बताओ. हमें फूड को प्रिजर्व करने की क्यों जरूरत है, सबसे इच्छा हमने बताया कि अवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट एक्सपोनेंशियल रेट एंड वी आर हैविंग लेस फूड, सो वी हैव टू प्रिजर्व इट सो दैट इट इज ठीक है, इट इज इट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट, इट इज सफिशियंट फॉर ऑल. अगर फूड सड़ता जाएगा तो क्या सबको खाना मिलेगा? कई लोगों को तो प्रिजर्व फूड ही पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए हमें फूड का प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है. अब जरा देखिए नाउ, और फूड अगर प्रिजर्व रहेगा तो क्या हमें फूड पॉइजनिंग भी नहीं होगी? जरा अगला देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन. कभी कभी ऐसे प्लांट्स होंगे जो दालों के पौधे होंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये रूट है और रूट का ये जो नोड होता है जहाँ दो जड़ें मिलती है उनको क्या कहते हैं, नोड्यूल्स. और ये सर नोड्यूल्स, और ये सर उसमें राइजोबियम रहते हैं, ये समझो ग्राम या पी है, तो कोई दालें होंगी तो उनके रूट के नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया होंगे जो राइजोबियम होंगे. प्लांट में दालों के लिए क्या प्रोटीन चाहिए? यस सर. दालों को क्या चाहिए? प्रोटीन और नाइट्रोजन.
और प्रोटीन किससे बनता है? नाइट्रोजन से। लेकिन क्या प्लांट हवा से सीधी नाइट्रोजन ले सकते हैं? नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। यस, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके ये जो रूट नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल, रूट में जो गांठे हैं, नोड्यूल्स का क्या मतलब है सर? गांठ हैज, इट हैज, व्हाट इट हैज, बोलो। राइजोबियम। ये देख लो, इनके रूट नोड्यूल्स भी यही हैं। गांठे तुम देख रहे हो इतना काला काला, दैट इज रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम। ये देखो, ये दालों की जड़ें हैं। ठीक है, सो रूट नोड्यूल्स में क्या होगा बोलो? दैट इज राइजोबियम। इस चीज को लिखें कि बैक्टीरिया, तो क्या ये अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात, अच्छी बात। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम और बैक्टीरिया में अभी इसके अंतर है सब। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो माइक्रो बहुत बता दिया उन्होंने पहले ही। उन्होंने बता दिया कि बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। बहुत बड़ी बात। सो बैक्टीरियम राइजोबियम, तो ये क्या करता है बताइए? फिक्स, ये कहाँ से फिक्स करेगा बोलो? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, ये फिक्स कर लेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स, और इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आपने फ्लो चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट देखो, सो ये जो है इनको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में बदल देगा। ओके, नाउ सर फिर वो जब उसे कन्वर्ट कर देगा, फिर क्या उससे, फिर उससे ऊपर से जो ग्राम है उसको प्रोटीन, तो जब वो उसमें नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा तो रूट्स उसको ले जाके वो पानी में घुल जाएगा, तो वहां पहुंचा देगा। सो कन्वर्ट्स इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स, इसको किसे ले लेगा? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स कुछ और नहीं होते हैं, NO3- होता है। और वो किसको बदल रहा है? क्या N2 गैस? N2 गैस पीछे पिछली क्लास में पढ़ी हुई है। तो N2 से उसने क्या बदल दिया बोलो? नाइट्रेट्स में बदल दिया। ठीक है, तो अब ये वाटर सॉल्युबल हो गई है। नाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? दीस बैक्टीरियाज आर फाउंड एट लेग्यूमिनस प्लांट्स। देखो इस चीज को, लेग्यूमिनस प्लांट्स, बैक्टीरिया आर फाउंड ऑन रूट नोड्यूल्स। का क्या मतलब है नंगर? जहां पर इनके नोड है, जहां पर दो जड़ें मिलती है या गांठ है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो वहीं पर ही अपना घर बना लेते हैं ब्लैक ब्लैक। और लेग्यूमिनस का क्या मतलब है सर? जो ये ग्राम पी सर, जो पल्सेस प्लांट्स होती सर, जैसे ग्राम पीस सर, वो सब पल्सेस दाले हो गए, ग्राम हो गए, क्योंकि इन सब में क्या होगा? बीन्स, इन सभी में सोयाबीन हुआ, इन सब में प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। यस सर, ये काम भी करते हैं। ओके, नाउ अब जरा देखिए कि कुछ चीजें आपको करनी है। डिफाइन पाश्चराइजेशन, लिस्ट सम प्रिजर्वेटिव, और तीसरी चीज राइट अ नोट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सर ट्राई एक स्पेसिफिक डिजीज, कौन सी?
सर सारे ही प्रिजर्वेटिव लिखना है। ये सर वो जो प्रिजर्वेटिव सारे सारे कितने हैं? यही है प्रिजर्वेटिव दो मुख्य है, बाकी तुमको नमक चीनी तेल विनेगर ये सब तो तुम लोग बता ही रहे हो। सर ये पहला क्वेश्चन क्या है सर? पास्टराइजेशन क्या होता है? चल इन लोगों का माइंड डिस्टर्ब होगा अगर हम तुमसे बात करेंगे, अभी एट के बच्चे पढ़ रहे हैं। Oh,